प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि उन्नति मेले का उद्घाटन किया। यह मेला राजधानी के पूसा कैंपस में आयोजित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत का भाग्य गांव और किसानों को भाग्य बदले जाने के बाद ही संभव है। उन्होंने कहा कि दूसरी कृषि क्रांति की जरूरत है और ये क्रांति विज्ञान के सहारे लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि कई राज्य ऐसे हैं जहां कृषि पर थोड़ा ध्यान देने से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। हरियाणा में आरक्षण आंदोलन की आग पर काबू पाने के लिए बैठकों का दौर शुरू कर दिया गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान की मौजूदगी में दिल्ली में जाट नेताओं के साथ बातचीत की। इसके बाद सीएम ने कहा कि दिल्ली और दूसरे राज्यों से भी मंत्रियों ने हमसे विचार साझा किए हैं। हमने जाट आरक्षण के मुद्दे पर विचार विमर्श किया, हम वही करेंगे जो सही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि मेक इन इंडिया अभियान रक्षा संबंधी खरीद के लिए एक प्राथमिकता है। परिचालन संबंधी तैयारी सेना का प्राथमिक काम है क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग हमें आंखें दिखाएं। रक्षा मंत्री कल IIT रुड़की में 3 दिन के प्रौद्योगिकी उत्सव के पहले दिन रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल से जुड़ी एक पैनल वार्ता में बोल रहे थे। उत्तराखंड में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों के भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जाने के बीच कांग्रेस की शिकायत पर विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल ने इन विधायकों को नोटिस भेजकर पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर सफाई मांगी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बागी 9 विधायकों में से 5 की वापसी की आशा जताते हुए कहा कि उनकी पार्टी के लोगों से कई बागी विधायक अभी भी संपर्क में हैं, जिससे उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है। झारखंड के लातेहार जिले में 2 पशु व्यापारियों की हत्या कर उनके शव पेड़ से लटकाने के बाद तनाव है। लातेहार के SP अनूप बिरथरे ने बताया कि यह घटना बालूमाथ थाना क्षेत्र के झावर गांव की है और पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मारे गए लोगों की पहचान मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान के रूप में हुई, जो आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने बताया कि उनकी लाशों को पेड़ से लटका देख लोग आक्रोशित हो गए। हिंदू राष्ट्रवाद को फांसीवाद करार दिए जाने संबंधी आलोचना का परोक्ष रूप से जवाब देते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने आज कहा कि भारत एक महान देश तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में कोई हिटलर नहीं पैदा होगा। संत तुकाराम के जन्म स्थान देहू में एक वैदिक स्कूल के उद्घाटन के मौके पर भागवत ने कहा कि भारत विश्व के कुछ प्राचीन देशों में शामिल है और जब हम प्राचीन है तो शेष विश्व के लिए बड़े भाई की तरह है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले उर्दू भाषा के प्रचार के लिए राष्ट्रीय समिति के एक फॉर्म जारी किया गया है, जिसमें लेखकों को हर साल इस बात की घोषणा करनी होगी कि उनकी किताब सरकार या देश के खिलाफ नहीं है। अंग्रेजी समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार पिछले कुछ महीनों से कई लेखकों और संपादकों को ऐसे फॉर्म मिले हैं जिसमें उनके 2 गवाहों के हस्ताक्षर भी उपलब्ध कराने को कहा गया है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग शनिवार को लगातार 3रे दिन भी यातायात के लिए बंद रहा और भूस्खलन के कारण फैले मलबों को हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात SSP संजय कोतवाल ने बताया कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार 3रे दिन भी बंद है। इस राजमार्ग को गुरुवार को तेज बारिश की वजह से हुए भीषण भूस्खलन के कारण बंद कर दिया गया था। उद्योग संगठन फिक्की ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें कम किए जाने के मद्देनजर बैंकों से भी ब्याज दरों में कटौती की अपील की है। फिक्की ने कहा कि सरकार ने पहले ही ऐसे संकेत दे दिए थे कि लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में कमी की जाएगी। अब इन पर ब्याज कम होने के मद्देनजर बैंकों को भी अपने ब्याज दरों पर फिर से विचार करना चाहिए और उपभोक्ता निवेशक दोनों के लिए ब्याज दरों में कमी करनी चाहिए। दुबई से रूस पहुंचे फ्लाइट का दुबई विमान का एक एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय हादसा हो गया। इसमें सभी 55 यात्रियों की मौत हो गई जबकि 17 अन्य क्रू मेंबर्स भी नहीं बचे। एयरलाइंस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि मरने वालों में 2 भारतीय भी हैं।